नमस्कार, न्याय टीवी के क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अकेली महिला की दर्दनाक व्यथा बताते हैं। ये घटना महाराष्ट्र के एक गांव अंबरनाथ की है। ससुराल वालों ने कैसे इस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, ये आप खुद देखें और खुद सुनें। और अंबरनाथ की जब ये बेटी मांग कर रही है इंसाफ की, तो पुलिस ने FIR दर्ज करने में काफी समय लगा दिया, लेकिन आखिरकार दर्ज हो चुका है FIR। अब आगे की कार्रवाई जारी है। देखना यह है कि इस महिला को न्याय कब तक मिलता है। अंबरनाथ की ये महिला पिछले 3 महीने से अपने घर के दरवाजे के बाहर चादर बिछाकर सो रही है और उसका ससुराल घर के अंदर सो रहा है। ये कितना जायज है? लेकिन कुछ घर में मुझे मानसिक जो तान तनाव देने से वजह से मुझे घर के लोग ने 13 जुलाई 2019 में सब लोगों ने अकेला छोड़ के वहाँ से चले गए। और जो मेरा हस्बैंड का घर था वो उसने उसके बाप के नाम कर दिया, और मैं घर से कैसे भाग जाऊँ और उसको कैसे निकाल दूँ, इसके वजह से वो लोगों ने उसके बाप ने उसके खुद के नाम पे घर कर दिया और वहाँ से मुझे अकेला छोड़ के सब चले गए। और उसके बाद मैं वहाँ पे 1 साल से अकेली रह रही हूँ वो घर में, जो शादी के समय मुझे घर में लेके आए थे वो घर में। और उसके बाद उसने उसके मेरे आगे सास ने और मेरे ससुर ने मेरे ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर कोर्ट में दावा दाखिल किया कि हमारे बहू ने हमको घर से निकाला है ऐसा। तो ये सब मैटर चलते समय कोर्ट में मैं कोर्ट का इंतज़ार कर रही थी और मैं वहीं घर में रहती थी। इसी समय 16 अगस्त को मेरे ससुर के सभी लोगों ने मैं 15 अगस्त को मेरी मासी के पास चली गई, तो मैं घर पे नहीं रह के उन्होंने सब ताला सब घर के अंदर चले गए। 9 जन थे वो सब मेरे ससुर वालों के घर के। और मैं 16 अगस्त को जब घर पे गई ना, तो वहाँ वो लोगों ने मुझे इतना मारपीट किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे ऊपर फिर मैंने उसके बाद 100 नंबर को फ़ोन लगाया पुलिस वालों को, और फिर पुलिस वाले वहाँ 5 मिनट में आ गए और मुझे धमका के वहाँ से वो लेके गए पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद मैंने वहाँ पे एक अर्ज
अर्ज किया है पुलिस स्टेशन में, और उसके 10 दिन बाद मेरा वहाँ पे उनके ऊपर केस दाखिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में रामलीला के मंच पर लगाए गए ठुमके, हुए अश्लील नाच, प्रशासन रहा मौन, क्या ये सही है? बागपत में दाढ़ी नहीं कटाने पर सीनियर इंस्पेक्टर इत्सार अली को सस्पेंड कर दिया गया। ये अजीब घटना प्रकाश में आई है। क्यों कर रहा हूँ? इनको बागपत के थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन का नाम इंसार अली है, इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। उनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जाती थी, उन्हें जांच करके उन्हें नोटिस इनको इश्यू हो चुका था, परंतु इन्हें उनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है, जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार।